हेलो दोस्तों, ये हम आज लेंटर डाल रहे थे। लेंटर में सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान दें कि जब भी ये कंसील गए तो आप सेंटर माप लें। वो जो सामने दीवार है उस दीवार से और इस दीवार तक, और फिर वो दीवार से इस दीवार तक, इसका पैमाइश करके आधा कर ले। अगर 80 से करते हैं तो आधा कर ले, और इंची टेप से करते तो वैसे भी आधा ही होगा। उसके बाद आप डाउन उतारें, जैसे कि ये है, ये 3-4 इंची डाउन उतर जाता है। जो एक रादा लगा होता है ईंट का, वो तोड़ना पड़ता है, 3 इंची करीब में गहरा होता है। वैसे ये चारों तरफ होता है, इधर भी होगा और उधर भी होगा। और हमने ये जीने के नीचे MC बॉक्स बनाया है ताकि जब भी इसके ऊपर कमरा बने, फ्लोर बाय फ्लोर ये ऊपर बनता जाए, वो भी जीने के नीचे। MC बॉक्स सबसे बढ़िया तो जीने के नीचे ही देना अच्छा रहता है। वैसे हमने ये सारा ये डाल दिया, ये कमरा भी वैसे डाला है। देखिए, जैसे कि एक डाउन उतार दिया, दूसरा वो, तीसरा ये, चौथा वो, वैसे कंसील्ड का है। कंसील्ड का कमरे के हिसाब से डालते हैं, कितने उसकी लंबाई चौड़ाई है उसी हिसाब से। कंसील्ड 1.5 फुट पे लेना है, 2 फुट पे लेना है, 3 फुट पे लेना है, उसी हिसाब से हम कंसीलर जो होता है ये उसी के हिसाब से हम डालते हैं। खैर, इसका तो मैंने, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो मैंने 2 फुट इधर से लिया है, 1.5 फुट उधर से लिया है। वैसे ये सारा हमने लेंटर का लगभग हमारा हो ही गया है। वो है हमारा जीना, हमने जीने में एक लाइट दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई माप के सेंटर नाप निकाल के, और वो एक हमने 2 फुट की झीरी लगा दिया ताकि इसकी लाइट हम कनेक्ट कर सकें। ये अब वहाँ से एक डाउन उतरेगा नीचे वहाँ पर, और फिर वहाँ से एक सीधे यहाँ बैंड लगेगा, सीधे या करके वहाँ पर ये MC बॉक्स यहाँ बनाएंगे हम, यहीं पर ये डाउन कनेक्ट हो जाएगा सीधे।